नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विशेष एकेडमी में। दोस्तों, हमारा आज का जो वीडियो कंप्यूटर की पीढ़ी पर आधारित है। कंप्यूटर की पीढ़ी का मतलब ये है कि किस पीढ़ी में किस कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे द्वारा कंप्यूटर की जो भी जानकारी है वो आप तक सीधे पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी। कंप्यूटर के इतिहास को कंप्यूटर में प्रयुक्त नई तकनीक के आधार पर कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में समझा जा सकता है। प्रत्येक कंप्यूटर के आधारभूत सिद्धांत अथवा उसके किसी भाग के नवीन रूप के विकसित होने पर एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट जनरेशन। इन दिस कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब वेयर यूज्ड अबाउट 18,000 ट्यूब वेयर यूज्ड इन वन सिस्टम। इसमें बताया गया है कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब से तैयार किया गया था। वैक्यूम ट्यूब एक बल्ब के आकार का दिखने वाला ट्यूब होता था और वह जलता था, और साथ ही 18,000 ट्यूब को मिलाकर के एक कंप्यूटर सिस्टम तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ दी सिस्टम वाज वेरी स्लो एंड साइज वाज वेरी बिग। पहले जनरेशन का कंप्यूटर जो तैयार किया गया था, उस कंप्यूटर का जो साइज़ था बहुत बड़ा था, और पहले जनरेशन के कंप्यूटर के कार्य करने की जो क्षमता थी बहुत ही स्लो थी। दी सिस्टम वेयर अनेबल एंड प्रोड्यूस्ड लॉट ऑफ हीट सो एयर कंडीशनर वाज रिक्वायर्ड। और साथ ही पहले जनरेशन के कंप्यूटर को एसी की आवश्यकता होती थी, क्योंकि जो ट्यूब लगे हुए थे उन्हीं ट्यूब की वजह से पहले जनरेशन का कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता था। तो ये थी पहले जनरेशन की विशेषता। अब आगे बढ़ते हैं और साथ में बात करते हैं सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन की शुरुआत सन 1954 से 1964 तक चली। इसमें बताया गया है इन दिस कंप्यूटर ट्रांजिस्टर वेयर यूज्ड। दूसरे जनरेशन के जो कंप्यूटर को तैयार किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर लगने की वजह से सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर तैयार हुआ था उस कंप्यूटर का आकार थोड़ी सा छोटा हो गया था। द ट्रांजिस्टर वेयर रिप्लेस्ड विद वैक्यूम ट्यूब द स्पीड वाज हाई एंड साइज वाज रिक्वायर्ड कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एयर कंडीशनर। साथ ही दूसरे जनरेशन की जो विशेषताएं थी वो प्रमुख थी, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, डाटा इनपुट के लिए पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया, आउटपुट के लिए पंच कार्ड और कागज़ का उपयोग किया गया, एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया, साथ ही हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया। ये थी हमारे सेकेंड जनरेशन की विशेषताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी पीढ़ी की तरफ। तो कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी थी सन 1964 से 1980 के मध्य रही। इसमें बताया गया है इन दिस कंप्यूटर आईसी चिप का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट वाज ड्यूज। यानी कि तीसरे जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उस कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का उपयोग किया गया, जिसके कारण तीसरे जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका भी आकार और छोटा हो गया। द स्पीड ऑफ दिस सिस्टम वाज हायर एंड साइज वाज स्मॉलर एस कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दिस सिस्टम वेयर रिलेबल आल्सो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर यूज इन जनरेशन। साथ ही तीसरे जनरेशन की जो कंप्यूटर की विशेषता थी वो और ही ज़्यादा प्रमुख थी। तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर में सर्किट में ICS का प्रयोग किया गया। इनपुट और आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का भी उपयोग किया गया। एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप की जगह मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। तो ये थी हमारे कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे जनरेशन की तरफ। तो हमारे कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी थी सन 1980 से 1990 तक चली। चौथे जनरेशन की कंप्यूटर इन दिस कंप्यूटर VLSI जिसका पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर को IC से तैयार किया गया था, उसके बाद उसको विकसित करके चौथे जनरेशन में IC को हटा करके VLSI और ULSI चिप का प्रयोग किया गया। द स्पीड ऑफ दिस सिस्टम इज़ वेरी हाई द साइज ऑफ दिस सिस्टम इज स्मॉलेस्ट एज कंपेयर टू अबव फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन दिस सिस्टम आर मोर रिलेबल।
तो ये थी हमारे चौथे पीढ़ी की विशेषताएं। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी। तो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी सन 1990 से अब तक जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो पांचवी पीढ़ी के ही कंप्यूटर माने जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं पांचवी पीढ़ी की तरफ। दी सिस्टम यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द प्रोसेसिंग स्पीड दी सिस्टम इज एक्सट्रीमली हाई द मेन एम ऑफ दी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज टू मेक कंप्यूटर इंटेलिजेंट लाइक ह्यूमन बींग। तो पांचवें जनरेशन का जो कंप्यूटर था जिसको हम आज रोबोट के नाम से जानते हैं, पांचवें जनरेशन का कंप्यूटर रोबोट की तरह तैयार किया गया। और उस कंप्यूटर में हम जो भी अपने मुंह से बोलते हैं, या कहने का मतलब ये है कि हम जो भी आदेश कंप्यूटर को देते हैं हमारे आदेशों को कंप्यूटर मानता है और उसको स्वीकार करता है। तो पांचवें जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें हम बोल सुन जैसे मल्टीमीडिया तकनीक का विकास हुआ, और पांचवें जनरेशन में ही इंटरनेट में क्रांतिकारी विकास हुआ। तो ये थी हमारे कंप्यूटर की पांच पीढ़ियां। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और साथ ही लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे आपके साथ साथ आपके साथियों को भी कंप्यूटर की पीढ़ी की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।